नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज गांधी। राम जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो गुजरात से पैदल यात्रा कर रहा है केदारनाथ की। देखिए, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की रुचि इतना प्रेम और अपना प्यार दिखाते हैं। उनमें से एक शख्स है हमारे सिंह साहब, जो कि आज मेरे साथ हैं हाईवे पे, जो मुझे आज मिले खाटू यात्रा करने के दौरान। मैं रास्ते में था और देखा मैंने रास्ते में एक भाई हमारा पैदल चल रहा है, तो मैंने मुलाकात करी से। इनकी हर मुरादें पूरी करने की आशंका रखता हूँ और बाबा इनके साथ रहे। और जो धूप चल रही है इसको सर्दी में, ठंड के अंदर, शीतल छाया के अंदर, इनको अपना रूप दिखाए और उनके पैरों में जो छाले हैं और जो इनका चलने का जो चल रहे टपकी है टपकी। अच्छा, पीछे से कहाँ से आप? मैं गुजरात सोमनाथ, सोमनाथ गुजरात से हैं वैसे। और इन्होंने जो अपनी यात्रा स्टार्ट करी है वो करी है जयपुर से, सही कहा? नहीं, सोमनाथ से। सोमनाथ से सोमनाथ से 22 किलोमीटर मेरा गांव है वडोदरा जाला, वहाँ से सोमनाथ, सोमनाथ से खाटू साहब मेरा एक्स्ट्रा किलोमीटर। आर आर महादेव, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बाय। अभी बस जस्ट नींद खुली, टाइम भी बहुत हो गया है, जल्दी निकल रहा था लेकिन निकला नहीं। और कपड़े जो धोने थे रात को, मेरे कपड़े धो लिए, कल दोपहर को ही कपड़े धो लिए थे और वो सूख गए हैं। अभी जल्दी से यहाँ से फटाफट फ्रेश होके नहा धोके निकलते हैं। और भाई, कल के ब्लॉग में तो कुछ इतना खास था नहीं, तो मैं इधर उधर बस घूमा। यहाँ पास में एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ गया दर्शन किए, फिर आरती का लाभ लेके वापस आ गया और रात को खाना खा के फिर सो गया। वो वीडियो का ठीक से मैंने एडिट भी नहीं किया था। और भाई, कपड़े भी सारे सूख गए, सभी धो दिए थे मैंने, सब के सब अभी सूख गए मस्त। अभी यहाँ से जल्दी से फ्रेश हो गए, रास्ता कट के सोच रहा हूँ आज एक टैबलेट ले। आज थोड़ी थकान मेरे को महसूस हो रही है। क्या नज़ारा है यार ये खेत का, चलो भाई। चलो दोस्तों, अपन हो गए रेडी और अभी गुज्जर भाई से मिलके हम अपने आगे की यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। ये बैग भी रेडी और बाकी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए, अभी बैग भी लगा लिया। चलो, चाय सामने कैंटीन है, वहाँ चाय पी के गुज्जर भाई भी शायद वहीं पे होंगे, उनसे मिल के फिर वो अपने आगे की यात्रा स्टार्ट कर देते। चलो दोस्तों, अब गुज्जर भाई से मिल के हम अपने आगे की यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। और भाई, आप तो पता नहीं क्योंकि अभी टाइम हो गया है 10:09, आज कम से कम मैं 30 किलोमीटर में खींच लूँगा, 10 किलोमीटर में बाकी रखूँगा, कल मैं बॉर्डर सुबह क्रॉस करूँगा, देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, लेकिन 30 किलोमीटर तो आज मैं चल ही लूँगा रात तक, क्योंकि दिन से ज़्यादा क्या है कि अभी रात को चलने में मज़ा ज़्यादा आता है। ये अभी 2 किलोमीटर आगे चल के आया और ये एक फ्लाई ओवर, जो कि ये लाइन गई सीधी बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर इस साइड 3 किलोमीटर की दूरी पे है बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, और हमें जाना है ये सीधी लाइन, जो कि ये भी हरियाणा बॉर्डर ही जा रही है, लेकिन ये 40 किलोमीटर पड़ती है और ये बॉर्डर यहाँ पे 3 किलोमीटर पड़ती है। तो चलो, थोड़ी तबीयत डाउन है मेरी आज। ये लाइन जो सीधी गई अंबाला और हमें जाना है सीधा ये फ्लाई ओवर के नीचे। जस्ट अभी चाय पीने के लिए बैठा हूँ मैं, भैया पतीला धो रहे हैं और अभी मस्त ब्लैक टी बना रहे हैं। ये सीधी लाइन गई अंबाला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज गांधी। राम जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो गुजरात से पैदल यात्रा कर रहा है केदारनाथ की। देखिए, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की रुचि इतना प्रेम और अपना प्यार दिखाते हैं। उनमें से एक शख्स है हमारे सिंह साहब, जो कि आज मेरे साथ हैं
हाईवे पे जो मुझे आज मिले खाटू यात्रा करने के दौरान, मैं रास्ते में था और हाईवे में मुझे उनके साथ मुलाकात करी। तो चलिए आज मिलते हैं उनसे, बातें करते हैं कैसा लगता है। मैं अभी खाटू से दिल्ली आ रहा था तो देखा मैंने रास्ते में एक भाई हमारा पैदल चल रहा है, तो मैंने मुलाकात करी। तो हमारे खोड़ा वीर जी जयपुर से केदारनाथ पैदल यात्रा करते हुए, खोड़ा वीर जी मैं इनका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। बाबा शिव सिंह से इनकी हरत मुरादें पूरी करने की आशंका रखता हूँ और बाबा इनके साथ रहे। और जो धूप चल रही है इसको सर्दी में, ठंड के अंदर, शीतल छाया के अंदर, इनको अपना रूप दिखाए और उनके पैरों में जो छाले हैं और जो इनका चलने का जो चल रहे हैं पूरी तपती धूप के अंदर, बाबा इनके साथ रहे। अपने वीर जी कुछ सब बस यार अभी यात्रा तो देखो, अभी ना तो धूप लग रही है ना ठंड लग रही है ना। ये पूरा राजस्थान अभी बस अभी 30 किलोमीटर बॉर्डर दूर है, लेकिन गर्मी की एक बूंद नीचे नहीं टपकी है, नहीं टपकी। अच्छा पीछे से कहाँ से आप? मैं गुजरात सोमनाथ। सोमनाथ गुजरात से है वैसे, और इन्होंने जो अपनी यात्रा स्टार्ट करी है वो करिए जयपुर से, सही कर रहे हैं? नहीं सोमनाथ से। सोमनाथ से 22 किलोमीटर मेरा गांव है वडोदरा जाला, वहाँ से सोमनाथ से खाटू श्याम मेरा एक्स्ट्रा किलोमीटर बन गया। अच्छा खाटू श्याम भी स्पेशली गया। और ये देखो बाबा की कृपा कि इनको फागुन में बाबा ने अपने दर्शन दिए। जी हाँ, कल परसों को अपने 11 में करे होंगे दर्शन। हाँ 11 में बाबा के इन्होंने पावन दर्शन करे और अब ये निकल चुके हैं केदारनाथ यात्रा करने। दर्शन भी ऐसे हुए कम से कम 5 से 6 मिनट तक किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, किसी ने नहीं और बाबा के भक्तों, मेरा बाबा के भक्तों को कोई डिस्टर्ब नहीं करता और अच्छा लगता है। इतनी भीड़ थी कि आपको पता ही होगा कि वहाँ पे ऐसे आप खड़े रहोगे ना तो फिर धक्का आएगा, लेकिन कोई धक्का नहीं, आराम से मेरे को 5 से 6 मिनट दर्शन हुए। तो बाबा का भी आशीर्वाद इन्होंने प्राप्त कराया, तो एक बड़े बाबा के पास और जा रहे केदारनाथ। तो हम कामना करते हैं इनकी यात्रा शुभ हो, मंगल कार्य हो और इनकी बहुत धन्यवाद स्पीड ऐसी बनी रहे। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज, और जय भोले बाबा की, शंकर भगवान की। आप सबसे निवेदन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि भाई का मनोबल ना टूटे और महादेव उसकी स्वयं रक्षा करने के लिए उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों मैं अभी निमराणा पहुँच चुका हूँ, निमराणा से 1-2 किलोमीटर आगे हूँ और बॉर्डर यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे है हरियाणा बॉर्डर, जो कि अगर मैं चाहता तो अभी पार कर लेता, लेकिन कल सुबह ही मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा। और यहाँ पे एक होटल आई जहाँ मैं चाय पीने के लिए बैठा था, लेकिन अभी थोड़ा और 2-3 किलोमीटर मेरे को चलना था, लेकिन वो भैया बोले कि भाई इधर ही रुक जाओ, रुकने की यहाँ पे सारी सुविधा है, मतलब कि आप रुक सकते हो यहाँ पे। तो फिर मैंने उसका मान रखते हुए मैं इधर ही रुक गया हूँ और अंदर एक कमरा है वहीं पे मैं अभी सो जाऊँगा और खाना भी इधर है, यहाँ पे खाना खा के फिर इधर ही मैं सो जाऊँगा और कल सुबह बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा मैं। तो अभी यारो राजस्थान बस कल 10-11 बजे तक मैं राजस्थान पूरा मेरा कवर हो जाएगा, जो कि बड़े अच्छे से मेरा राजस्थान में काफ़ी सारे दोस्त मिले, काफ़ी सारे दोस्त नए बनाए और एक राजस्थान की जो इमेज मेरी नज़र में खड़ी हुई, मतलब कि बहुत अच्छे लोग यहाँ के, बहुत अच्छे लोग मिले मेरे को, कोई ऐसा मतलब खट्टा अनुभव कहीं पे हुआ ही नहीं मेरे को कि मैं क्या बताऊँ। जो भी अभी थोड़ा बहुत तो मैं कल बताऊंगा। और चलो यारो इस वीडियो को मैं फिर अभी यहीं पे एंड करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों का साथ और सर पे महादेव का हाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।